मुंबई की शक्ति मिल में पिछले साल 22 अगस्त को हुए गैंगरेप समेत दो मामलों में आज कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। पांचों दोषियों की सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा। मुंबई को शर्मसार करने वाले शक्ति मिल गैंगरेप के दो मामलों में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पिछले साल 22 अगस्त को एक फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप के चारों आरोपियों विजय जाधव, सिराज खान, कासम और मोहम्मद अंसारी को मुंबई की सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। पांचवां आरोपी नाबालिग है, लिहाजा उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। बाकी आरोपियों को कोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न समेत आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया। फोटो जर्नलिस्ट केस गिल्टी फॉर कमिटिंग गैंग रेप। गुरुवार को केस की सुनवाई के वक्त कोर्ट में खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल भी मौजूद थे। आज जो न्यायालय से फैसला आया है उससे पीड़ित महिला और उनके परिवार को सही न्याय मिला है। शक्ति मिल गैंगरेप ने महिलाओं के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली मुंबई के दामन को दागदार बना दिया था। इसी शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट के गैंगरेप के मामले से पहले हुए एक महिला टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप के मामले में पांचवें आरोपी को भी दोषी माना गया है। तीन आरोपी दोनों मामले में दोषी पाए गए हैं। दोनों गैंगरेप में शामिल पांच दोषियों को सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के केस में एक आरोपी की फांसी की सजा